हसन भाई दाना बुलेट जी, वाह दाना बुलेट जी, थैंक यू। हसन भाई शॉकर रिपेयर कर रहे हो जी? ये देखो ये शॉकर लीक था मेरा बहुत बुरी तरह से, आज की सीले डल जाएंगे, सीले डाल के भाई ठीक कर देगा। ये देखो बहुत बुरी तरह से शॉकर लीक था मेरा, तेल कर चुका भाई चेंज, ऑयल चेंज वाले की मैं फिर से बना दूंगा वीडियो बाद में। शॉकर सर्विसिंग कर रहे हैं, साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, शॉकर चू 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 कर रहा था। हसन भाई आ गए अब, इन्हें चू 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 कर देनी बंद। जग्गी जग्गी द स्मार्ट बॉय, जग्गी जग्गी जग्गी, हेलो जग्गी, हाउ आर यू? फाइन जग्गी जी, सर्विस कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया जग्गी जी। दाना बुलेट जी के पास सबसे पुराने, सेकंड सबसे पुराने, मेरे को बताते रहना क्या क्या डाल रहे हो। सिल्ले डालेंगे, तेल डलेगा, तेल भी शॉकर ऑयल भी, शॉकर ऑयल सील डलेगी। हाँ ये मीटर की तार निकाल दी, मीटर की तार निकाली है, ब्रेक की तार। यार मीटर की तार ना थोड़ी सी वॉम्बल करती है, वो भी देख लेना, देख लेंगे, हिलती है थोड़ा सा ना, देख लेंगे। शॉकर बड़ी बुरी तरह से लीक थे मेरे दोनों ही। हसन भाई बहुत पुराने वर्कर हैं यहाँ पे, सेक्टर 38 मोटर मार्केट में मैं खड़ा हूँ, सबसे पुराने वर्कर हैं। और ये गई ब्रेक की, हाँ ब्रेक, अगले वाली ब्रेक भी टूट गई है कल, वो भी डाल देना। ब्रेक वॉशिंग करवाएंगे, धुलवाना? धुलवा लेंगे, हाँ धुलवा लेंगे, दुरा लें, बहुत गंदा हो गया। हाँ, गंदा ज्यादा है, बारिश बुरिश पड़ती रहती है ना। हाँ। बड़ा गंदा हो गया वैसे, वॉशिंग वो पीछे वाले से करा लूंगा ना। हाँ। है मड़गाड़, ओके मैं तो टापा बोलने वाला था, कर दिया। ये साइड में टायर निकल चुका है। हाँ। अब थोड़ी देर में शॉकर बाहर आने वाले, बहुत बुरी तरह से लीक थे दोनों ही, लीक हैं। इसमें शॉकर ऑयल डलेगा, सील डलेगी, परफेक्ट हो जाएगा। शॉकर सर्विसिंग चल रही है इस टाइम। मैकेनिक नेम हसन, निकाल दो। वाह थोड़ी है, इससे पहले फ्रेंड्स मैं सर्विस करा चुका हूँ, 2.5 लीटर तेल डलता है इसमें, इंजन ऑयल है ना, 2.5 लीटर इंजन ऑयल है और बिल्कुल परफेक्ट डाल चुके हैं। फिल्टर मैं डलवा चुका हूँ, एयर फिल्टर डलवा चुका हूँ, और एट द एंड मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताऊँगा कितना खर्चा हुआ मेरा आज। उसमें शॉकर रिपेयर भी आएगा, ये फ्रंट वाली तार भी आएगी, और ब्रेक शू भी चेक कर लेना।
एट द एंड खर्चा मुझे लग रहा है थोड़ा सा बढ़ने वाला है इस बार। और ये देखो ये शॉकर आ चुका है, बुरी तरह से लीक है, ये दूसरे वाला भी लीक है, दोनों ही लीक है। और ये आ गया शॉकर बाहर। ये होती है ये होता है, ये डालनी होती है हमने सील, इसे बोलते हैं सील। अच्छा ये इसके अंदर सील है, अच्छा वो डलेगी। और आप बोल रहे थे इसके अंदर ऑयल, ऑयल डलेगा। तो ये आज पहली बार लीक हुए हैं, मुझे बड़ी दिक्कत कर रहे थे, तो मैंने सर्विसिंग के साथ ये शॉकर्स की भी रिपेयर करा रहा हूँ, इसमें शॉक ऑयल और सील डलवा रहा हूँ। तो पहली बार ये करा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर की जाए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये है मेरा रॉयल इनफील्ड। ये है शॉकर ऑयल। ये कितनी देर में चेंज कराना चाहिए? जब लीक करेगा तभी चेंज, जब लीक करेगा जब ही चेंज होएगा, है ना? मतलब लीक ये, मतलब जब से मैंने लिया 2014 मॉडल है ये, पहली बार ही हुआ है। चार पाँच साल बहुत चल जाता है। हाँ काफी चल जाता है ना। दूसरे वाले का भी ऐसे ही खोलेंगे। तो जी ये दूसरे वाले का बड़ा ज्यादा काला है। अबे ऐसे ही ऊपर से डालना होता है इसमें तेल, है ना? साफ कर देंगे, धो देंगे इसके बाद। अब इसको साफ करेंगे, धोएंगे पेट्रोल से, फिर इसमें न्यू तेल डालेंगे, बिल्कुल न्यू बन जाएगा ये। ये अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं करके फिर सीले डालेंगे, तेल डालेगा, सीले डाल के इसके बाद तेल डालेंगे, फिर आएगा मजा। अच्छी तरह से वॉशिंग हो रही है इनकी, मजेदार। तो गाइस ये आ गई है सील, और ये आ गया शॉकर ऑयल, रॉयल इनफील्ड एसेंशियल्स फोक ऑयल। कितने 200 ml? 200 ml लिखा है, 200 ml, और ये दो सील्स हैं। तो ये लो पाजी, हसन पाजी जरा चेक करो जरा। हेलो जी, ए ठीक है ये वाली सील, एक ठीक सी है ना? सीला दो में नमिया पानी है। हाँ बोले हाँ, तेल नमा पावा है, एक डबल डबल करे ऊपर भी नीचे भी, ठीक है सारी छोटी छोटी आ गया। डबल रिंग करके पा रहे हैं हसन भाजी, डबल रिंग का फायदा की है भाजी? वो लीक नहीं होएगा भाजी। अच्छा लीक नहीं होएगा है? ये रिंग होता है ना डबल के ना, जो डबल होती टाइट रहेगी इसी। अच्छा टाइट रहेगी है, रबड़ को ना लूज नहीं रहेगी वो। अच्छा जंप करते हुए टाइम पे ना फूलती है ना रबड़। हाँ टाइट रखेगी। अच्छा डबल रिंग कर दिया, ये हो गया डबल रिंग, और ये डाला सील डाल रही है। ये सील है, अच्छा सील लगा के सील डालो। अच्छा सील पे लगा के ठोक देंगे ना। हाँ खराब नहीं होगी, प्रॉपर बैठ जाएगी। ठीक है ये सील डल गई है, ये सील का लॉक। अच्छा ये सील का लॉक है। हाँ। ये दबाने के लिए कई बार लूज होती है ना ऊपर नीचे,
टाइट रखी थी इसी की। अच्छा, ये सील का लॉक डल चुका है भाई लोगों। हाँ। और ये क्या चीज है? कैप है, पानी से मट्टी ना डले। सील, अच्छा, सील की कैप है। सील की कैप है। अच्छा, मट्टी मिट्टी वगैरह अगर ऑफ रोडिंग जा रहे हैं कहीं पे तो रोकेगी, ऊपर रोकेगी पानी, अंदर जैसे ऑयल में मिट्टी मुट्टी ना जाए, है ना, पानी वगैरह। हाँ, रोकेगी। ठीक है, सील समझो, ऊपर की सील है, ऊपर की सील है, सील के ऊपर की सील। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले शॉकर में करेंगे। सट्टा बॉस, सील होएगी ना तो खराब नहीं होगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर दिया, बिल्कुल इसके ऊपर डस्ट के स्टेन नहीं होने चाहिए, ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो गया, बिल्कुल प्लेन हो गया, ताकि अंदर से कहीं भी कोई आवाज या दोबारा से ना जो डस्ट स्टेन्स नहीं होने चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। तो अब डालेंगे इसमें ऑयल। ये इसमें डालेंगे ना? हाँ, अच्छा, ऐसे ही चला जाएगा। लो जी, ये ऑयल डल गया शॉकर्स में। जंप ठीक रहेगा, ऑयल के कारण काम होएगा ना, जंप पूरा टाइट रहेगा इसका। अगर ऑयल कम होएगा? हाँ, कई बार होता है। अच्छा, तेल पूरा रहेगा, जंप भी पूरा प्रेशर बनेगा ना इसके अंदर। हाँ, मतलब थोड़ा रहना चाहिए ना। लो जी, वैसे इसमें काफी आ जाता होगा, पर थोड़ा ही डालते हैं ना, काम नहीं करेगा, जंप भी उतना ही चाहिए जितना। हाँ, है उतना जंप चाहिए हमें। हाँ, ऐसे थोड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो जी, ऑयल डल चुका है, ये दोबारा शॉकर चढ़ाया जा रहा है। लो जी, आ काम कर रहा है, वाह जी वाह। ऐसे रमा हो जाएगा थोड़ा, है ना? हाँ, जंप देख रहे, ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा। हाँ, जंप बिल्कुल अपना बिल्कुल ओके कर रहा है। तो दोबारा पैक किया जा रहा है, ओके, सारा कुछ दस चेंज चेक करके दोबारा इसको सील, दोबारा सर आप दोबारा से लगा रहे हैं इसको, सील करके ओके कर दिया है। आप दूसरे की बारी है, अब दूसरे की बारी, आ जा बेटे जी। सील भी डल गई, ऑयल भी डल गया, सारा कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। और ये तार कहाँ से टूट गया? हटाई हुई है। अच्छा, किस चीज की है? अच्छा, ब्रेक लाइट की, इसमें होनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जय गए शॉकर अंदर। हसन भाजी, अभी हमें एक शॉकर के वो मार के दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे। ये शॉकर गए, ये चेकिंग हुई। दोबारा उसको डाला जा रहा है, फिट किया जा रहा है। इसके बाद चेक करके देखेंगे शॉकर्स में क्या फील आता है। लो जी, टायर फिक्स हो चुका है, बस अब जस्ट चेक करेंगे इसको, थोड़ा सा चला के फिर एकदम ब्रेक मार के चेक करेंगे कितना रफ एंड टफ हुआ ये। ठीक है हसन भाई, आप ही चेक करना, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है सर। लो जी, शॉकरों का काम तो हो गया, अब आई है इसकी वॉशिंग की बारी।